नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं कौशाम्बी लेमन ट्री बैंकेट हॉल में, जहां पर रोटरी क्लब शाहदरा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर विकास श्रीवास्तव जी को रोटरी क्लब शाहदरा का प्रेसिडेंट आज नियुक्त किया गया है। इससे पहले रोटरी क्लब शाहदरा के प्रेसिडेंट हिमांशु वर्मा जी थे, जिनके नेतृत्व में कोरोना पैंडेमिक के दौरान बहुत सा काम किया गया, विकलांगों के लिए बहुत सा काम किया गया, डिसेबल्ड पीपल्स को हर बार डोनेशन दी गई। हिमांशु वर्मा जी के नेतृत्व में रोटरी क्लब शाहदरा ने बहुत तरक्की करी, लेकिन विकास श्रीवास्तव जी के आने से भी बहुत ज़्यादा रोटरी क्लब आगे बढ़ा और ऊंचाइयों को छुआ। विकास श्रीवास्तव जी को रोटरी क्लब शाहदरा का प्रेसिडेंट नियुक्त करने के बाद उनका देखा जाएगा और उनके नेतृत्व में कितना ज़्यादा कार्य अभी तक उन्होंने किया है, जिस तरह रोटरी क्लब शाहदरा और ज़्यादा ऊंचाइयों को छुआ है। और विकास श्रीवास्तव जी अगर इसी तरह से काम अगर करते रहे और रोटरी क्लब के साथ बिल्कुल मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर विकास श्रीवास्तव जी का रोल अगर इसी तरह से रहा तो रोटरी क्लब शाहदरा दुनिया का सबसे नंबर वन क्लब घोषित भी किया जाएगा। आज ऑफिशियली एक ओवर ले रहे हैं विकास जी, तालियां बजती रहे जब तक ये रोटरी क्लब दिल्ली शाहदरा के जस्ट प्रेसिडेंट जो इंस्टॉल आज हो रहे हैं। वैसे तो हमारे रोटरी में 1 जुलाई को इंस्टॉलेशन हो जाता है, लेकिन इन्होंने पिछले 8 महीने में ये दिखा दिया कि जो जिम्मेदारी इन्होंने ली है अपने कंधों पर, उसको ये बखूबी निभाएंगे। इवन कोविड के पीरियड में पिछले 8 महीनों में जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, जिस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो काबिले तारीफ़ है। और मुझे उम्मीद है कि जो 4 महीने का अब समय है, कोविड के बाद जो समय अब खुला है, उसके अंदर हम T20 की तरह खेलेंगे और जो काम लोग 12 महीने में करते हैं वो विकास जी 4 महीने में कंप्लीट करेंगे। और समाज के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स आपने डिसाइड किए हैं वो अगले 4 महीनों के अंदर रोटरी क्लब दिल्ली शाहदरा को नई ऊंचाइयों तक लेके। रोटरी 116 साल से विश्व में काम करता है, जिसके अंदर सबसे बड़ा योगदान रोटरी का पोलियो रहा है। पोलियो में रोटरी ने जिस तरीके से काम किया और पूरे विश्व से, आज केवल 2 देश ऐसे हैं जिसमें कि पोलियो है, अदरवाइज़ पूरे विश्व से पोलियो ख़त्म हो गया है। रोटरी उसी दिशा में काम कर रहा है और मेरा बाकी संस्थाओं के साथ भी ये है कि जिस तरीके से रोटरी ने अपना एक फोकस एरिया पोलियो बनाया था और अब लिटरेसी के ऊपर रोटरी काम कर रहा है, तो एक ही एरिया को हम यदि फोकस बना के काम करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स दे पाएंगे। विकास जी क्या कहना है एज अ प्रेसिडेंट, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी और किस तरह से गोल रहेगा? गोल तो यही रहेगा कि हम नीडी पीपल का है ना हेल्प करें। जैसे आपने देखा अभी तक हमने जो भी है ना प्रोजेक्ट्स है ना किए, वो गरीब लोग के लिए, जो नीडी पीपल्स हैं उन लोग के लिए हमने किया, और आगे भी हमारी है ना यही कोशिश रहेगी। जैसा हमने कहा कि हमने एक ऐप भी बनाया, डेवलप किया है। प्रेसिडेंट हिमांशु वर्मा जी रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी कि जिस तरह से आपके द्वारा काम किया जा रहा है बहुत ज़्यादा सराहनीय है, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा। उनका बहुत बड़प्पन है और बहुत सपोर्ट है, और उन्होंने लास्ट ईयर जिस तरह से काम किया और इस ईयर जिस तरह से है ना मुझे सपोर्ट किया, काबिले तारीफ है। उसके बारे में मैं जितने भी कुछ कहूँ कम शब्द हैं, और हमेशा उनका सपोर्ट रहा है। आप नीडी पीपल्स को, डिसेबल्ड लोगों को हमेशा प्रमोट करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में रोटरी क्लब क्या करेगा? एजुकेशन सेक्टर में भी हमने लिटरेसीज के लिए एक जैसे एजुकेशन सेक्टर में मैं ऐसे कहूँगा कि मैंने स्किन अवेयरनेस के ऊपर है ना काम किया, लोगों को एजुकेट है ना उसमें किया कि आप इस तरह से भी है ना ऑर्गेन को डोनेशन कर सकते हैं और लोगों की मदद है ना कर सकते हैं। तो डिफरेंट मैसेज ये रहेगा कि लोग है ना आगे आएँ और अपना स्किन को और ऑर्गेन को डोनेट करें और लोगों की है ना लाइफ है ना बचाएँ। इट्स वेरी गुड, कमेंडेबल है, ये कोविड में वो भी डिफ़िकल्टी सिचुएशन में इतना किए, इट इज़ वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट। इवन आलोक सर भी, उनका थ्रू आउट द ईयर वो हमारे साथ खड़े रहे, सो एंड अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के लिए इतना करना, वो भी इस डिफ़िकल्टी सिचुएशन में, बिजनेस सब कुछ का इतना सारा डाउनफॉल रहता है, तब भी हमारा क्लब दिल्ली शाहदरा का मेम्बर्स एवरी वन दे कम टुगेदर टू अचीव ऑल दिस गोल्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली थैंकफुल टू एवरी वन। यत्र नार्यस्त पूजन से तत्र देवता, ये हमारा कल्चर का एक बुनियादी है, कहाँ महिला लोग का पूजा होता है उधर भगवान रहते हैं, तो ये हमारा रोटरी में भी है, क्योंकि हमारा रोटरी में स्पेशली अकेले आया तो उनको वैल्यू देते ही नहीं है, हम कपल्स के साथ ही देते हैं हमेशा, सो ये एक हमारा कल्चर ही हो गया रोटरी का। एंड मोर देन दैट, हम वुमेंस के लिए हमेशा
नेक्स्ट कल भी हमारा सेमिनार्स है स्किन रिलेटेड एंड वुमेंस का स्पेशली बहुत सारा यूट्रस रिलेटेड कैंसर ये सब है उसके लिए भी हमने बहुत सारा सेमिनार्स करते हैं एंड वुमेंस प्रेसिडेंट के लिए भी हम लोग बहुत सारा इम्पोर्टेंस देते हैं इवन अलग सर बहुत सारा बार बोलते रहते हैं सो ये सब दिखाते हैं कि वुमेंस आज भी आज फंक्शन में देखेंगे तो वुमेंस आर मोर ब्यूटिफुल एंड दे आर द शाइनिंग टू दिस इवेंट सर एक्स प्रेसिडेंट एज अ रोटरी क्लब ऑफ शाहदरा क्या कहना है आज जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विकास जी को दी गई सच बताऊं ये एक्चुअली क्या है एक बहुत बड़ा प्रेशर था जो मेरे पे पिछले 2 साल से था आज वो रिलीव हो गया मेरे पे से और मेरी ऑल माय गुड विशेस विद विकास मैं हर लेवल पे उसके साथ खड़ा हूँ जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस हैं सारे उसके साथ हैं और आने वाले सारे प्रेसिडेंट्स के साथ हैं क्या मैसेज रहेगा सर आज इस तरह का कार्यक्रम किया गया है एक्चुअली वंडरफुल प्रोग्राम ये मैसेज है हमारा इस प्रोग्राम के थ्रू कि जितने भी लोग हमारे एसोसिएशन हमारी क्लब के साथ जुड़े हुए हैं और ये मतलब बेसिकली हम लोग सोशली तो करते ही हैं बट एक हमें अपने फन के लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए उसके लिए विकास ने जो आज प्रोग्राम रखा है वंडरफुल प्रोग्राम रोटरी क्लब ऑफ शाहदरा के द्वारा और कितने आगे गोल्स हैं जो पूरे किए जाएंगे स्काई इज द लिमिट कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ की अब यू जस्ट वेट एंड वॉच मेरा नाम रोटेरियन रवि सहगल है और मैं पिछले 15 सालों से रोटरी क्लब से जुड़ा हूँ और मैं पास्ट प्रेजेंट भी रह चुका हूँ और लगभग 4 बार मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ इस बार दोबारा से मैं सेक्रेटरी हूँ और आई जस्ट फील दैट के रोटरी में आने से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है एक फेज ऐसा भी आया जिसमें मैं डिप्रेशन में जा सकता था मगर रोटरी में लोगों की सेवा करते करते मैं उसमें से मुझे कब अपने आप ही निकल गया मुझे पता भी नहीं चला या आई एम अतुल खंडेलवाल एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हिमांशु वर्मा इज डन ए ट्रेमेंडस जॉब इन दिस रोटेरियन एंड मैं प्राउड रोटेरियन एंड आई थिंक विकास विल ऑल्सो डू वेरी गुड जॉब इन दिस प्रेजिडेंटशिप या थैंक क्या लगता है सर रोटरी क्लब इतने टाइम से काम कर रहा है आज विकास जी को इतनी बड़ी कमान सौंपी गई है उसके बारे में क्या कहना है मुझे लगता है ही इज़ केपेबल एंड विल डू बेटर देन हिमांशु वर्मा हिमांशु इज ऑल्सो वेरी गुड प्रेजिडेंट मैं अश्वनी खनिजा रोटेरी क्लब 3012 का मेम्बर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेम्बर भी हूँ हमारा क्लब सामाजिक कार्यों में हर वक्त अग्रसर रहता है खासकर विकास श्रीवास्तव जी के प्रेसिडेंट बनने के बाद हमने कई गोल्स पूरे किए हैं कई बार हमने जो विकलांग बच्चे हैं उनको चेयर्स भी दिए हैं और कोविड के पीरियड में हमने कई लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट भी किया है ड्राई फूड्स भी सप्लाई किए हैं जी मेरा नाम रजनीश रजत है और मैं नव्य सर्जना एक एहसास के की ओर से आप सबके बीच में हूँ और रोटरी क्लब ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD कर रहा हूँ हिंदी विषय से और मेरा विषय है गोपालदास नीरज और कुंवर बेचैन जी की गीतों का तुलनात्मक अध्ययन चूँकि मैं लिखता हूँ इसलिए मैं गीत पर PhD कर रहा हूँ और मुझे सामाजिक कार्य में बहुत रुचि है मैंने किरोड़ीमल महाविद्यालय में एक संस्था भी बनाई थी यहाँ पे आए हैं जी मैंने आपको बताया कि नव्य सर्जना एक एहसास जो संस्था है जिसके साथ मैं 2018 से जुड़ा हुआ हूँ और उसी के साथ मैं आज आया हूँ ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है समाज के लिए हाय दिस इज़ रंजीत कुमार फ्रॉम नव्य सर्जना एंड वी आर बेसिकली वर्किंग फॉर द स्लम अपलिफ्टमेंट एंड वुमन एम्पावरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम 2013 ये हमारी टीम है नव्य सर्जना की और वान्या जो कि एक सबसे छोटी एक्टिव मेंबर हैं इसकी और आज रोटरी क्लब से हमें जो सपोर्ट मिला है वो अनएक्सप्लेनेबल हमें 5 व्हीलचेयर रोटरी क्लब ने पहले डोनेट की थी जो कि हमने अपने जो भी ज़रूरतमंद लोग थे उनको हमने बांटा और आज फिर ये रोटरी क्लब हमें 5 व्हीलचेयर डोनेट कर रही है जो कि हम आगे आने वाले लोगों के लिए डोनेट कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ मैं औरों के लिए कर रही हूँ और मैं सिर्फ अपने आप को खुश नहीं कर रही हूँ ये चीज़ें करके सबकी हेल्प करके मैं औरों को खुश कर रही हूँ और औरों की लाइफ में थोड़ी सी रोशनी और खुशी लाना चाहती हूँ पेरेंट्स का कितना ज़्यादा सपोर्ट रहा है आपकी लाइफ में पेरेंट्स का मेरा बचपन से ही सपोर्ट रहा है क्योंकि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता तो पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है मेरी लाइफ में